नमस्ते, राखी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड और आमलेट का टोस्ट। इसके लिए मैंने ब्रेड और अंडा लिया। मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक बॉल लेना, उसमें दोनों अंडे को ऐसे तोड़ डाल के दोनों अंडे को तोड़ने के बाद अंडे को इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से अंडे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार आधा चम्मच से भी कम नमक डालना है। थोड़ी सी चुटकी भर जीरा पाउडर, चुटकी भर गोलकी पाउडर डालकर मिक्स कर लेना है। चुटकी भर लास्ट में मिर्च पाउडर डालना है और अंडे को अच्छे से मसाले को इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स हो गए हैं पूरी तरह से। अब ये ब्रेड को दो भागों में इस तरह से काट लेना है। सारे ब्रेड को इसी तरह से दो भाग में काट लेना है। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, तवा लिया। उसमें मैं सरसों तेल ऐड करना है, दो बूंद, ज़्यादा नहीं डालना है। दो छोटी चम्मच तेल डाल के तवे में चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तवा पूरी तरह से गर्म हो गया है, तेल भी। अब इसमें आमलेट में अंडा में ब्रेड डाल के चारों तरफ से अंडा को इस तरह लपेट लेना है और तवे पे ऐसे रख देना है। इसी तरह दूसरा ब्रेड को भी इसी तरह लपेट लेना है अंडा में चारों तरफ से, तवे को इस तरह से डाल देना है। अब कम आँच में दो मिनट इसी तरह से पकने देना है। कम आँच एक साइड से पक गया है, अब इसको पलट लेना है। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेना है। ब्रेड आमलेट टोस्ट पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है। थैंक यू। अगर मेरा आपका वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।